अपना अपना ध्यान रखेंगे कि बीमार ना हो जाए, कि बाकी दो दिन रह जाए सब लोगों का, ठीक है। तो नरसिंहपल्ली के वापसी में जितना संभव है उतना जरूर करें, बाकी तो पालकी वालों का और कीर्तनियाओं का दोनों की मतलब बड़ी तपस्या, वो नंगे पांव में और धूप में रोड में पिछले पिछले सावन में तो रोड भी ठीक नहीं होता, तो वापस वो आ जाते हैं कीर्तनों के साथ, फिर भी ठीक नहीं है। ध्यान रखें, कल श्री गोधुम द्वीप में नाव चढ़ करके हम लोग जाएंगे और भक्ति विनोद ठाकुर जी का बहुत सुंदर सुंदर स्थान टिकट ली हुई है, नाव के लिए टिकट ले सकते हैं, मानो कि टिकट नहीं भी मिलता टिकट ले सकते, तो नाव के द्वारा कल हम जाएंगे कीर्तन के साथ साथ भक्ति विनोद ठाकुर जी के सुरभि कुंज, उसके बाद स्वानंद सुखद कुंज, बड़ा सुंदर सुंदर स्थान है कल है? और उसके बाद सुबह का प्रसाद होगा, पारण है कल, तो पारण के समय के भीतर ही जो है कल प्रसाद भी होगा। फिर उसके बाद पहले हम जाते थे वो आम घाट के सामने हरिहर क्षेत्र तो जाते हैं, हाँ तो पहले हम जाते थे वो एक स्थान पर, आजकल नहीं जाते, सुवर्ण जाएंगे बहुत समय से नहीं जा रहा, हाँ नहीं पहले सुरभि कुंज फिर स्वानंद कुंज फिर प्रसाद, पहले हम जाते थे सुवर्ण मेला, वो आजकल नहीं जाते हैं, आजकल हम सीधा चले जाते हैं हरिहर क्षेत्र, फिर वहां से कथा इत्यादि करके तो लास्ट में नरसिंहपल्ली से बाबा साहब आते हैं, है पूछ के फिर बताना होगा, हाँ वो जो भी रेट है देंगे, ठीक है बता देंगे वो, ठीक है। गौर प्रेमानंदे हरे कृष्णा। देखो हमारी नई मैनेजमेंट है, विजय कृष्ण प्रभु बड़े दिल से आज मैनेजमेंट को यहाँ संभाल रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और सुधार हो, और हर साल आप देखना सुधार पे सुधार होता चला जाएगा। तो पता है क्या कहना चाहते हैं, जाके रजिस्ट्रेशन कराओ, मात्र रजिस्ट्रेशन से संतुष्ट मत हो जाओ, क्योंकि रजिस्ट्रेशन से जो पैसा आता है वो टोटल खर्चे का आधा ही आता है, और अगर आप चाहते हैं कि पूरा खर्चा हो तो आधा पूरा हो और करना। अब पूछो आप कितना होगा, मैं अंदाजन आपको बता देता हूँ, ये राज की बात है, आधा लग जाता है, आधा क्या, आधा करोड़ का खर्चा है, प्रोग्राम कितना है आधे करोड़ का खर्चा है, रजिस्ट्रेशन वगैरह से कितना आ जाता है 20 लाख आ जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 25 लाख आ जाएंगे, बाकी कहाँ से आएगा, बाकी कहाँ से आएगा। तो इसलिए महाप्रभु जी उदार और उनके भक्त भी महा उदार, ठीक है। और प्रेमानंद सामने टेबल है जहाँ पर बुक्स जो है हमारे राधेश्याम ब्रह्मचारी को लगाए हैं, और जिन लोगों को ग्रंथ लेना है विशेष करके गुरुदेव का, वो ग्रंथ सामने टेबल में वहाँ प्रभु जी लगाए हैं, जरूर लेना, नवदीप धाम संबंधित दूसरे संबंधित जो ग्रंथों को जरूर लेना। श्री रामन गोस्वामी महाराज जी के सेंटिनियल के लिए श्री भागवत पत्रिका से एक स्पेशल एक संस्करण निकाला गया, वो सामने टेबल में प्राप्त होगा, जो लोग संग्रह करना चाहते हैं निश्चित रूप से ये सब ग्रंथों को संग्रह करें और वापस जाकर के जरूर पढ़ें, ठीक है, ये आप लोगों से विनती। अरे कृष्णा, जो जगन्नाथपुरी जाना चाहते हैं हमारे मोहित और हर्ष प्रभु, ये लोग जगन्नाथपुरी जाएंगे यहाँ से बस बस करके, कितने देर में जाएंगे कांगे, उन्हें इसको यहाँ से कितने बजे सवेरे 7 बजे जाएंगे, खीर चुरा को बिना दर्शन करेंगे वहाँ बीच में, उसके बाद कोई लिंगराज मंदिर और वहाँ पर साखी गोपाल उसको दर्शन करते हुए जगन्नाथपुरी जाएंगे, वहाँ पर 3 दिन रुक करके फिर वो वापस आएंगे। जो जगन्नाथपुरी जाना चाहते हैं प्रभु घर से खड़े हो जाए तो वही तारीख बता दो, हाँ हाँ ये ये, 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 ये अब इनको साथ में 19 तारीख को सवेरे 7 बजे जाने वाले, और जैसे हम लोग हर साल एक चक्र जाते हैं, हम लोग इस बार भी चाहते हैं लास्ट का जो परिक्रमा के बाद में कहाँ से गोद मामगाछी से, जैसे हम
जाते थे, इस बार भी जाने के लिए हम लोग चाह रहे हैं। जो जाना चाहते हैं अपना नाम और पैसा यहाँ पर अगर दे देंगे, उसी हिसाब से हमको पता चलेगा कितने भक्त लोग जाने वाले। हरे कृष्णा। गौर सुंदर प्रभु इधर आ जाओ। वो गौर सुंदर प्रभु है जो लोग जाना चाहते हैं नवदीप धाम में, वो गौर सुंदर प्रभु के पास में बतला देंगे तो उस प्रकार से व्यवस्था हो जाएगी। एक बात मैं बताऊं, सुनो जरा ध्यान से। शिला भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी का नाम सुना आप लोगों ने? सुना है? है नहीं सुना? ध्यान से बतलाओ, सुना है? वो प्रभुपाद जी के बड़े ही गणमान्य शिष्य थे। यहाँ पास में ही उनका मठ है ना, ये गली के उस ओर जाओ तो उनका मठ है, वहीं पर उनकी समाधि है। वो जब इस नवदीप धाम में आए ना, उनकी इच्छा थी कि मैं इस नवदीप धाम में स्कोल द्वीप में वास करूं। किनकी इच्छा थी? श्रीला भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी। तो उन्होंने स्वयं अपने मुख से कहा है, जब मेरी इच्छा हुई इस धाम में वास करने की, तो वो सबसे पहले कहां गए? वो नित्यानंद प्रभु जी के स्थान पर गए और उन्होंने नित्यानंद प्रभु जी के चरणों में प्रार्थना की कि आप तो इस धाम के क्या हैं, आप इस धाम के मालिक हैं। ये स्वयं वो अपने मुख से बतला रहे, आप इस धाम के मालिक हैं। उनसे किसी ने प्रश्न किया था, उनके पास में प्रतिदिन भक्त लोग कथा सुनने आते थे, तो एक भक्त ने प्रश्न किया, आपने स्कोल द्वीप को ही क्यों चुना? सारा संपूर्ण नवदीप ही तो क्या अपराध भंजन पाठ है, आपने विशेष करके नवदीप में भी स्कोल द्वीप को क्यों चुना? तो श्रीला श्रीधर गोस्वामी महाराज जी ने उत्तर दिया इस बात का कि मैंने स्कोल द्वीप को इसलिए चुना कि जब श्री चैतन्य महाप्रभु जी संन्यास लेने के पश्चात में वापस आए ना, तो वो यहाँ स्कोल द्वीप में कुलिया में ही रुके, और कुलिया में रुक करके श्री वृंदावन दास ठाकुर जी ने लिखा है, कुलिया प्रकाशे प्रभु श्री कृष्ण चैतन्य, है नो ना ही जा रहे प्रभु ना करी लो धन्य। जब महाप्रभु लौट करके आए ना, ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं बचा, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं शेष बचा जिस पर महाप्रभु जी ने अपनी करुणा कृपा वितरण नहीं की हो। हम भी ठीक उसी नवदीप धाम के उसी कोल द्वीप में कुलिया में कुलिया के निकट में ही हम लोग बैठे, तो क्या हम बचेंगे महाप्रभु की कृपा से? नहीं बचेंगे महाप्रभु की कृपा से। किंतु उस कृपा को प्राप्त करने के लिए श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी कहते हैं, मैं सबसे पहले गया नित्यानंद प्रभु जी के चरणों में, मैंने उनसे प्रार्थना की, आप इस धाम के मालिक हैं, आप कृपा कीजिए, आप अनुमति दीजिए, मैं इस धाम में अपनी एक कुटी बनाना चाहता हूं। तो कहते नित्यानंद प्रभु जी की आज्ञा से, उनकी परमिशन से मैंने इस स्थान पर कुटी बनाई और अपने जीवन के प्राय 45 वर्ष से भी अधिक मैंने यहाँ पर व्यतीत किए हैं। तो इस नित्यानंद प्रभु जी की करुणा कृपा के बिना इस धाम में वास किया, ब्रज धाम में कहीं पर भी किसी प्रकार से भी वास हो प्रवेश हो नहीं प्राप्त हो सकता। इसलिए इस भावना के साथ में हम लोग प्रतिवर्ष पूज्यपाद महाराज जी के अनुगत में नित्यानंद प्रभु जी के चरण में प्रार्थना करने जाते हैं। तो आप लोग जो जाने के इच्छुक है, वो गौर सुंदर प्रभु वहाँ खड़े हैं, उनके निकट में जाकर के आप लोग बदला दीजिएगा। गौर सुंदर प्रभु भीतर आ जाओ, भक्त लोग देख रहे हैं। गौर समीत ये श्याम सुंदर प्रभु एक हमारे, इनके पास में दे दीजिए, तो उसी प्रकार से व्यवस्था करने की हम लोग चेष्टा करेंगे। महाराज जी बोल रहे हैं 500 रुपया उसमें बस में जाना आना और प्रसाद भी दे देंगे, तो ये भक्तों के पास में आप जमा करा दीजिएगा। गौर प्रेमानंदे हरि हरि। जितना शीघ्र आप लोग अपना नाम लिखवा देंगे उतना शीघ्र और उतनी अच्छी व्यवस्था हो जाएगी। इसलिए सबसे प्रार्थना शीघ्र अतिशीघ्र नाम अपना करा दीजिए। आगामी कल भी इसी प्रकार हरिकथा होगी, परिक्रमा से लौट करके आप लोग विश्राम करके हरिकथा में ठीक समय पर उपस्थित हो जाइएगा। गौर प्रेमानंदे हरि हरि।